उसने अध्ययन किया, जैन धर्म को देखा कि जैन धर्म आगे क्यों नहीं बढ़ पाया था। तो उसमें इन्होंने देखा कि जैन धर्म के नियम काफ़ी कठोर थे, उसमें सख्त नियम पालन किया गया था। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम था जैन धर्म का, खाना नहीं खाना है ऐसे ही मर जाना है, आखिरी समय में खाना पीना छोड़ना है, वस्त्र नहीं पहनना है, ब्रह्मचर्य जीवन को जीना है। भाषा काफी कठिन थी, तो उस समय उनको वो प्रकृत भाषा बोलते थे जैन धर्म वाले। इन्होंने क्या दिया, पाली भाषा। उस समय की सबसे प्रसिद्ध भाषा पाली भाषा थी, उस समय की सबसे प्रसिद्ध भाषा पाली भाषा। तो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया और बीच का रास्ता अपनाने के लिए कहा कि बहुत ज्यादा बड़ा सपना भी मत देखिए, छोटा भी मत देखिए, बीच का रास्ता अपनाइए ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। अष्टांगिक मार्ग बोला उन्होंने, क्या बोला, अष्टांगिक, आठ तरीके बताए जीवन जीने का, जिसे क्या बोला गया, अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो पुनर्जन्म होता है इससे छुटकारा पाना सबसे जरूरी है। पता चला इस जन्म में तो आदमी अगले जन्म में गधा बन गया, उसके जन्म में कुत्ता, सियार, भेड़िया, क्या बन जाएगा, दिक्कत होगा। अतः पुनर्जन्म में विश्वास जैन धर्म ने भी किया और पुनर्जन्म धर्म में विश्वास बौद्ध धर्म ने भी किया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जैन धर्म ने कहा कि आत्मा को सताओ वरना यह पुनर्जन्म ले लेगा, और बौद्ध धर्म ने कहा कि इच्छा आपकी अगर किसी इस जन्म में अधूरी रह गई तो उसे लिए वो क्या होगा, अगले जन्म। तो बताइए, बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म का कारण किसे बताया, और जैन धर्म ने, जैन धर्म ने कहा आत्मा को सदा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इच्छा पर कंट्रोल पाना जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने सबसे, महात्मा बुद्ध की बातें काफी लॉजिकल होती थी। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि सारे भीड़ को बुलाए कि एक चीज हम आपको बताते हैं, इसमें हर इंसान दुखी है, अभी भी आप लोग में भी हर इंसान दुखी है कि नहीं, हर इंसान दुखी है। सब लोग ने कहा कि एकदम सही बात बोल रहे हैं भाई, बहुत विद्वान आदमी है। उसके बाद उन्होंने कहा, पहला बात क्या बोला, हर इंसान दुखी है, हर एक इंसान क्या है, दुखी है, ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, किसी का कारण कुछ होगा, किसी का कारण कुछ होगा, किसी को पैसा नहीं आ रहा होगा, किसी का नौकरी का दिक्कत होगा होगा, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, किसी का कोई नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो अलग अलग सबका क्या है, कारण है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, तो सारे संसार में हर दुख का क्या है, कारण। और हर कारणों में सबसे बड़ा कारण जो है वो इच्छा है, हर कारण में सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा, इच्छा ही तो सबसे बड़ा कारण है। यदि किसी को इच्छा ही नहीं है तो वो दुख का कारण ही नहीं बनेगा। जैसे आपके लिए नौकरी आपकी इच्छा है, नौकरी आपके लिए इच्छा, इसलिए आपके दुख का कारण है। जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उस दिन ये कारण ही नहीं बनेगा दुख का, फिर दूसरा कारण बनेगा दुख का। तो उन्होंने कहा हर दुख के पीछे कोई ना कोई क्या है, कारण है, बिना कारण कोई दुखी नहीं है। लेकिन इसका, इस इच्छा को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, इच्छा को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल या नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं, कैपेसिटी देख के, अष्टांगिक मार्ग देखकर अपने हिसाब से। अब जैसे मान के चले कोनो मुझौसल है, एकदम खोज रहा है कैटरीना का, समझ में आ गया, अपने रहे बनमानुष की तरह, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो इच्छा पे कंट्रोल पाना जरूरी है कि नहीं, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी भी कैपेसिटी देखिए। पता चला कोनो को ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है, यूपीएससी की तैयारी सोच ले, ओकरा पते नहीं कि माइटोकांड्रिया किधर पाया जाता है, सोचे कि एम्स में डॉक्टर बनना है, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब आंख से सूझिए नहीं रहा है कि आगे कौन खड़ा है, सोचेंगे आर्मी की भर्ती निकालेंगे, जो ढह हो जाएगा वहीं पे। तो इन्होंने कई रास्ते बताए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रास्ता क्या था, अष्टांगिक मार्ग। कौन सा, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। बताइए अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, हमारे दुख का कारण है कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है। अरे भाई, इसको पीडीएफ अपलोड कर दो जी, इसका दुख का कारण है अलग है। सबके दुख का क्या है, अलग अलग कारण है। आप बताओ काला खरगोश, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, बहुत ही कारण है, तो तुम्हारी इच्छाएं भी बहुत होगी। हाँ, सबकी इच्छाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ में आ गया कि नहीं, लड़की लोग के भी दुख का कारण होता है, कैसन घर द्वार मिलेगा कैसन ना, बहुत बड़का कारण है। बेचारा सोचिए ना, लड़की सब का लाइफ कितना अजीब होता है, अनएक्सपेक्टेड। आप लोग को तो कम से कम इतना पता नहीं कि जैसा लाइफ है आप खुद बनाएंगे बिगाड़ेंगे, इनके लिए तो कितना टफ होता होगा। बाप रे बाप, अंधकार में जीवन लगता है, जैसे शॉपिंग सुपर मार्केट से कैसे सामान खरीद के लाता आदमी, 10 मिनट देखो ठीक है, वैसे जाओ दूल्हा यही ठीक है। बड़ा अजीब लाइफ, लड़का लोग सोचो कितना रिस्क का चीज है,
कैसा निकलेगा, पियक्कड़ होगा, बात नहीं मानेगा, घमंडी होगा, कैसा होगा कैसा नहीं। एगो होता है ना आदमी दूसरे को हमेशा दाब के रखना चाहता है, अजब टाइप का होता है। कुछ कुछ आदमी को देखते हैं ना कि उड़ने लगता है, दूसरे को सोचता है दाब के रखे, घमंड में कौन चीज का घमंड कर रहा है रे, रावण का सोने का लंका ना टीका तो कौन डेगची का मसाला है, भगवान तक लोग नहीं टिक पाए इस पृथ्वी पर, चले गए कि नहीं यहाँ से, सोने का रावण का लंका ना डूबे, कहीं कोंची का घमंड करता है सब। तो बड़ा दुखमय जीवन है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, नौकरी हो जाएगा ना तो आप लोग के लिए जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, और नहीं हुआ तो जीवन बीतेगा वही रोटी बेलते हुए, आप लोग के लिए बहुत दिक्कत। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा, लड़का तो कैसे घीच घाच के निकाल देगा, अपने घर में रहना है, इसलिए अष्टांगिक मार्ग पर जरूरी है। समझा गया।